शुक्रगुजार हूँ मोहतरम नसीम जफर साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नसीर शेख साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ अता कासमी साहब का और दूसरे तमाम मेहमानों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमें ये रौनक, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और हमारी इज्जत में इजाफा किया। इस अमल में जो शरीक हैं हमारे प्रोग्राम के माहिर उबैदुल्ला बेग, गाजी सलाहुद्दीन, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम एस एम जफर साहब से की तशरीफ। बड़ी इज्जत अफजाई हमारी के एस एम जफर साहब ने अपनी इस मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला और हमें ये इज्जत बख्शी के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। यहाँ ये हमने जो सिलसिला शुरू किया है शख्सियत, इसमें से किसी एक का इंतखाब करके कोई एक मारूफ नाम जिसे हर पखर वाकिफ वो तहरीर कर दिया जाता है और उसे पूछने की कोशिश करते हैं गाजी और उबैद, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोई एक ना तहरीर कर दे। इनके पूछने की बात जब आप करते हैं तो फिर तो मारूफ आदमी भी होना जरूरी नहीं है। माफ कीजिए जी, जफर साहब की शख्सियत मत की है जी, मर्द की शख्सियत जी, जिंदा नहीं, एशियाई जी नहीं, यूरोपी जी, और अगर यूरोपी तो क्या जजायर बरतानिया जी, जजायर बरतानिया का तो क्या इसके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया? नहीं। कोई सियासी शख्सियत? नहीं, सियासी शख्सियत नहीं कहला सकती, सियासी शख्सियत नहीं। जफर साहब ने अपने शोबे की शख्सियत न पूछ ली। हाँ सर जी। अच्छा, कोई प्रोफेशनल जैसे कानूनदान? कानूनदान रहे हैं जी, कानूनदान रहे हैं। अच्छा, लेकिन शोहरत कानूनदान? वजह शोहरत, वजह शोहरत कानूनदान ही नहीं है जी, वजह शोहरत ही मैं मखाल में जी। मैंने इसलिए वाजह कर दिया कि कानूनदान जरूर है, शोहरत इस वजह से नहीं। बहुत सी शख्सियात हैं जिनकी जहतें बड़ी होती हैं, आपने फरमाया कि 50 साल उनके इंतकाल को नहीं गुजरे हैं, बरे सगीर से कोई ताल्लुक उनका रहा है? जरूर एक हद तक एक ताल्लुक हुआ, एक ताल्लुक रहा से। क्या सरकारी मुलाजिम थे ताज बरतानिया के? जी ताज बरतानिया के मुलाजिम थे जी। मुलाजिम से मुराद सिविल सर्वेंट आप कहते हैं जी, सिविल या किसी उनवान तनख्वाहदार उस हुकूमत वक्त के? तनख्वाहदार तो जरूर रहे, सिविल सर्वेंट नहीं थे। अच्छा, सिविल सर्वेंट, जैसे कि सिविल सर्वेंट की तासीस को गलती ना लग जाए, ताकि गलती ना हो जाए, नहीं तो उसमें कोई यानी तनख्वाहदार बहुत होते हैं, तनख्वाह जरूर लेते थे वो, हाँ, लेकिन सिविल सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आए, नहीं आते थे। तो फिर उनका जो जिस काम की वजह से या जिस वजह से मशहूर है उसका ताल्लुक बड़े सगीर से? जरूर जी। अच्छा, कितने? 11 सवाल, बहुत सवाल। हाँ, बड़े सगीर से ताल्लुक है और गुज़िश्ता 50 साल में उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा जफर साहब, अगर जरा सा हम बड़े सगीर को और वो करें तो क्या ऐसे इलाकों से उनका खास ताल्लुक रहा जो अब पाकिस्तान में है? उसका ताल्लुक अब के पाकिस्तान से भी है, भी उस काम का ताल्लुक पाकिस्तान। बारीक बात है सर जी। कोई यानी ये तो नहीं है सरहदों के तायुन और बाउंड्री कमीशन वगैरह? इनके इंतकाल को तो पहले से 50। अच्छा हाँ, तो ये तो सही से। अच्छा ये बताइए जफर साहब कि क्या तकसीम हिंद के वक्त इनके सुपुर्द कोई ऐसा काम था कि जो दोनों मुल्कों के साथ इनके सुपुर्द ऐसा काम था? अच्छा, तो क्या इनसे लोग बहुत नाराज पाकिस्तान? मैं तो बहुत नाराज हूँ इनसे। मैं तो बहुत नाराज हूँ इनसे। अच्छा जी हाँ, बेशक उनका कानून के पेशे से ताल्लुक था, हाँ। और उन्होंने कुछ हमारे हक में डंडी मारी जी, वो सामने रेडक्लिफ को पूछा जी, मैंने रेडक्लिफ। इस बारे में आपको वजह बता दूं कि मैंने इसका नाम क्यों पूछा है। वैसे तो अपने हीरोज को याद रखना चाहिए, अपने कायदीन को याद रखना चाहिए, लेकिन इन साहब से जो हमें नुकसान पहुंचा है, और ये हत्या के प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे और कायद आजम ने अला रहमान इन पर एतबार भी किया था, आज जो पाकिस्तान को और भारत को दफाई अखराज इतने पड़ रहे हैं
और कश्मीर में जो इतने लोग बेघर हुए हैं और इतने शहीद हुए हैं, ये सब रेडक्लिफ अवार्ड की वजह से हुआ। तो मैंने सोचा कि आपके जरिए मैं कम अज कम इनको दोबारा कुछ और मजीद अगर इरशाद फरमाना चाहें। मसल ये कि हमने ये सुना है कि कायद आजम से जब उनके फैसले की बुराई की गई, और जाहिर है कि कायद आजम के इल्म में थी, तो कायद आजम इस कदर कानून के और नज्म व ज़ब्त के पाबंद थे कि उन्होंने कहा कि जिस मुआहदे पे दस्तखत हो गए वो हो गए। ये दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। वो बड़े रंजीदा थे और उनको बड़ा अफसोस हुआ कि प्रीवी काउंसिल के इतने बड़े ओहदे पे मौजूद इंसान ने ऐसी हरकत की। लेकिन उन्होंने कहा जब जो वाकया हो चुका है, जिस पर मैंने मुआहदा कर लिया है, उस पर कायम रहेंगे। और एक बात उन्होंने पहले भी कही थी कि पाकिस्तान जितना मर्जी छोटा हो जाए, एक दफ़ा पाकिस्तान बन गया तो यकीनी तौर पर वो फिर अपने अरूज और मुकाम पर पहुंच सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका शीर्षा, बड़ी इज्जत बहुत शुक्रिया तोहफा आपकी अहमद की मुनासिबत से यहाँ कहते हैं इज्जत अफसाई।